नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नागालैंड में कोहिमा जिले के दजुगू घाटी में भीषण आग का तांडव जारी है। इस तांडव में जंगल को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ हजारों जीव जंतुओं के भी मरने की आशंका है। आग इतनी भयानक है कि वहां से काफी दूर स्थित कोहिमा से भी वो साफ नजर आ रही है। राज्य सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। आग से निपटने के लिए मणिपुर सरकार ने एनडीआरएफ और सेना की मदद की गुहार लगाई है। आग राज्य के सोनापति जिले तक फैल गई है, यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्थिति को जानने के लिए दजुगू घाटी का हवाई दौरा किया। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने भी आग बुझाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशन में लगा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य को मदद का आश्वासन दिया है। इस बात की जानकारी सीएम एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि दजुगू घाटी के हालात जानने और उस पर चर्चा करने के लिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फोन आया। उन्होंने गृह मंत्रालय की तरफ से हालात पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी सहयोग का भरोसा दिया है। इससे पहले विनाशकारी आग की एक घटना ने नवंबर 2018 में घाटी को नुकसान पहुंचाया था। यह बताया गया है कि दक्षिणी अंगामी यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने उस वर्ष में बड़े पैमाने पर आग लगाई गई थी। दजुगू घाटी नागालैंड की राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हाल में किसी जान माल हानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन कई वन्य जीव को नुकसान होने की जानकारी दी गई है। आग किन वजहों से लगी, उन कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आग लगने की घटना की पुष्टि की है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।